बिग बॉस 18 में रविवार को खूब धमाल मचने वाला है। वीकेंड का वार में जहां सलमान घर वालों की क्लास लगाना जारी रखेंगे, तो वहीं रोहित शेट्टी और अजय देवगन सिंघम अगेन के प्रमोशन के लिए पहुंचेंगे। सलमान दोनों स्टार्स का बिग बॉस में स्वागत करेंगे। रोहित शेट्टी के एक्शन बोलने के बाद स्टेज पर सलमान खान के साथ अजय देवगन की एंट्री होती है। वीकेंड का वार में चुलबुल पांडे और सिंघम एक साथ आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। रोहित बोलते हैं कि सलमान सर, आपका हमारे कॉप यूनिवर्स में स्वागत है। शनिवार 26 अक्टूबर को वीकेंड के वार में सलमान ने करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा को बुरी तरह फटकार लगाई थी। उन्होंने करणवीर को घर की ननद तक कह दिया था। अब बिग बॉस 18 के 27 अक्टूबर के एपिसोड में जहां रोहित शेट्टी और अजय देवगन दोनों मिलकर सलमान के साथ खूब मस्ती करेंगे, तो वहीं वो घर वालों से एक टास्क भी कराएंगे, जिसमें कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को करंट बेल्ट के जरिए करंट शॉक देंगे। इस टास्क में विवेन अविनाश मिलकर चाहत को शॉक दिलाएंगे, जिससे चाहत के आंसू निकल जाएंगे। वहीं एक और टास्क होगा जिसमें विवेन और अविनाश को घर वाले महंगा मॉडल बताएंगे जो सिर्फ दिखावा करते हैं। इस टास्क में शिल्पा शिरोडकर और अविनाश मिश्रा की गंदी लड़ाई हो जाएगी। शिल्पा अविनाश से कहती हैं कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही इनसेंसिटिव रहे हो, हमें जानवरों की लीग में डालोगे तो बहुत ही गंदी और घटिया चीज है। शिल्पा मुस्कुराते हुए बोलती हैं तो अविनाश चिढ़ जाते हैं और शिल्पा को धमकी देते हैं कि वो उन पर ना हंसे। इतना ही नहीं, एक टास्क में तो विवेन और करण को घर वाले दिल का काला बताएंगे। वहीं करणवीर मेहरा अविनाश को लेकर एक ऐसा खुलासा करते नजर आएंगे कि अविनाश शो देखकर आए हैं तो उसे लगता है कि जो चिल्लम चिल्ली करता है किसी भी बात पर उसका नाम हो जाता है। वहीं आज कोई एक सदस्य घर से बेघर हो जाएगा। रिपोर्ट्स है कि मुस्कान बामनी घर से बाहर हो चुकी हैं, अब नायरा बनर्जी की बारी है। सिंघम अगेन की बात करें तो रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में सलमान कैमियो करेंगे। उन्होंने धमकियां मिलने के बावजूद अपने काम को जारी रखा है और कुछ भी पोस्टपोन नहीं किया। वो बिग बॉस की भी शूटिंग कर रहे हैं और अपनी फिल्म सिकंदर की भी शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सलमान अपने दबंग टूर के लिए दिसंबर में दुबई भी रवाना होंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी महीने की 12 तारीख को उनके करीबी रहे बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। 50 से ज्यादा लोग उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं।